उज्जैन के दशहरा मैदान स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में एक अनोखी चोरी का खुलासा हुआ। जहां मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो चोर खुद चोरी किया हुआ सोना बैंक में लौट आ गया। ये जो पुनर्वसाट पे नालियां बनी, कैसी बनी? नालियां बनी या कच्ची कच? कब बनी है? यह हाल 12 महीना नहीं हुआ, 8-9 महीना हो गया। कैसी बनी है? अब ऐसी बड़ी भाई, कच्चा कच्चा माल लगाया, भर भर जा रही है। सब निर्माण जो नालियों का काम हुआ सब बेकार हुआ है, घटिया काम हुआ है। नालियों में सीमेंट वगैरह कहीं भर भर डाली नहीं है और मकानों के पास पानी हमेशा रहता है, नालियों का निकास नहीं है। इस वजह से बच्चे वगैरह बीमार रहते हैं। ये पुनर्वास से बहुत घटिया काम हुआ है हमारे सिमलना में। पानी और रोड की क्या व्यवस्था? रोड का रोड बनने का बड़ा था, वो कच्चा रोड डला हुआ है। पानी की भी समस्या, पानी 82 लाख रुपए के लिए नर्मदा लाइन डाली, वो भी बार बार फूटती है, उसको भी हाल निराकरण सही कर रहे हैं उसको। इसको लेके अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों लोगों से बात हुई, अधिकारियों को बता दिया, वो बोल रहे आज करते कल, इसके लिए साल भर अभी तक उसकी कहीं जाँच नहीं हो रही लाइन की भी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्या बोला? विधायक ने भी बोला करेंगे इसको, बाकी वो भी अभी तक इसको कहीं सीरियल सेल नहीं हो रहे। हमारे बच्चे वगैरह सब बीमार पड़ रहे हैं, पानी नहीं जाता आगे, पानी का निकासी सही करा हुआ है। नवीन पाटीदार है, अनावर तहसील पलकी का रहने वाला हूँ मैं। पुनर्वसाट पे रोड नाली को लेके आप क्या कहेंगे? पुनर्वास मैं खुद एक डूब प्रभावित क्षेत्र से हूँ, मेरा गांव भी डूब में है। तरीके से पुनर्वास एनवीडी विभाग ने काम किया है तो काम की क्वालिटी कुछ भी, ऐसे कोई काम की क्वालिटी नहीं है। ऊपर से काम सभी जगह अधूरा छोड़ दिया है, घटिया है। इसमें NVDA के विभाग द्वारा डामरी रोड की जो बात है, आज तक डामरी रोड का किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया और नालियों का भी कोई काम बाकी है अभी। नाली निर्माण का तो बहुत ही घटिया काम हुआ है और जिस ठेकेदार को अगर ये चीज़ कहने जाते थे कि आप नाली गलत बना रहे हो तो उसका कहना था कि आपको जहाँ भी लगे वहाँ शिकायत करो, मैं तो ऐसी बनाऊँगा। दो चार बार हमने भी कहा और रेत उसने जो इसमें लगाई है ज़्यादा करके मिट्टी वाली रेत लगाई है और आज नाली की स्थिति है कि अगर एक पांव की ठोकर मारो तो जर्जर हो जाती है। रोड और पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? पानी की तो फिलहाल व्यवस्था कहीं तक भी नहीं है। जो लाइन डाली थी सिमलदा से वो भी अभी 5 महीने से बंद पड़ी है और आए दिन वो डेली लीकेज होती है, उसकी वजह से पुनर्वास से पानी ही नहीं आता है।